दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ पैजापे कंपनी के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि पैजापे कंपनी का जो यात्राई ऐप है वो सिर्फ एक बहाना है और कंपनी को टाइम बिताना है ताकि आप लोग कंपनी के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही ना कर सकें। और दोस्तों कंपनी ने वही काम किया है कि कंपनी का यात्राई ऐप आज भी काम नहीं कर रहा है और कंपनी में किसी प्रकार का कोई विड्रॉल आप लोगों को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि कंपनी लगातार लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने का काम कर रही थी। और जब मैंने इस बात का खुलासा किया था तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं कंपनी के खिलाफ कोई एजेंडा चला रहा हूं और गलत बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि आज भी कंपनी में किसी को पैसा नहीं मिल रहा है और यात्राई ऐप पूरी तरीके से बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। दो चार लोगों का रिचार्ज हो जाता है, दो चार लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है और कंपनी इस प्रकार का धोखाधड़ी लगातार कर रही है। और दोस्तों पैजापे एक दूसरे नाम से भी अपनी कंपनी लॉन्च कर रही है। दोस्तों इसका खुलासा मैं बहुत जल्द करूंगा कि किस तरीके से जब कंपनी का टारगेट पूरा हो गया तो कंपनी एक नए नाम से मार्केट में आ रही है और आपके साथ धोखा देने का प्रयास कंपनी आपको कर रही है। और दोस्तों पैजापे में किसी प्रकार का टाइम वेस्ट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपका पैसा पूरी तरीके से लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है और कंपनी अब कपड़ा बदल के कौन से नाम से आ रही है, क्या नया एजेंडा लेके आ रही है, इसका खुलासा दोस्तों जल्द करूंगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूंगा कि इस तरह के सीएमडी जब भी आपको मिले उनको लाल जूते से उनका स्वागत जरूर होना चाहिए क्योंकि आप कोई इमोशनल ब्लैक मेल करके कोई शांति से कैसे रह सकता है और उसे किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों आप पैजापे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए क्योंकि कंपनी का अपना काम कर चुकी है और बस अब आपको अपना दूसरा कुछ काम करना चाहिए और पैजापे की उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों इनके नए प्रोजेक्ट के बारे में आपको जल्द खुलासा करूंगा, इनकी ऑफिस का पता भी बताऊंगा और इनके ब्लैकमेल का पूरा खुलासा करूंगा। दोस्तों तब तक आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी।